आफ्टर 4 मंथ्स दो फैमिलीज की देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज अंडरस्टैंडिंग. तो ये है विकिंग. तो आज मैं अगेन ब्लॉग कर रही हूँ. तो एक्चुअली मैंने अभी जस्ट एक वीडियो खत्म किया है. आज मेरी मम्मी कॉलेज गई है, मतलब 4 महीने में आज फर्स्ट डे वो कॉलेज गई है. पहले हम आपको भर भर आवाज़ आई एम श्योर आ रही होगी क्योंकि फैन मेरे सर पे चल रहा है, बट अभी मैं एकदम गर्मी में बैठी थी तो इसलिए इसको चलने देते हैं. हाँ, तो आज मेरी मम्मी कॉलेज गई हैं आफ्टर 4 मंथ्स. पहले हम लोगों को पता लगा था कि 9 से 12:30 उनका टाइमिंग होगा, बट अब 9 से 2:00 तक है. तो मोस्ट प्रोबेबली 2 बजे मुझे उनको लेने जाना रहेगा पिकअप करने के लिए, क्योंकि शायद ट्रैवल इशू है और ट्रैवल इज द इशू अभी राइट नाउ सॉर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इतने दिनों बाद स्टार्ट हुआ है ना, तो किसको कहाँ कैसे ऐसे करने का है, प्रॉब्लम है. तो अभी मैंने एक हॉल वीडियो शूट किया है मिंत्रा का, देखिएगा ज़रूर, बहुत अच्छे अच्छे टॉप्स हैं, उसमें से एक टॉप ये है. तो अगर आपने नहीं देखा है, आई थिंक इससे पहले जाएगा या पता नहीं कब जाएगा, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि अभी कुछ प्लान नहीं है, मेरा स्केड्यूल मेरा फिक्स नहीं हो रहा है. स्केड्यूल मतलब मैं कल सोच रही हूँ विक्की के घर पर जाने का, तो मैं जन्माष्टमी तक 7 डेज हो जाएंगे मुझे, 7-8 दिन मैं वहाँ पर रह करके जन्माष्टमी के दिन ही वापस आ जाऊँगी. सो उसके बाद फिर मैं, क्योंकि अभी मैं फटाफट मुझे कम से कम आज 5 वीडियो शूट करने हैं, तब जा करके मैं वहाँ पर आराम से जा करके एडिटिंग करूँगी और बाकी कुछ और काम नहीं रहेगा. शूट वगैरह मैं यहीं से करके जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा बहुत सारा, मैं आपको दिखाती हूँ, सी दिस, बहुत सारा ऐसे लॉट पड़ा हुआ है, मेकअप है बहुत सारा. तो इतना सारा सामान इधर से उधर ले जाना और फिर वहाँ पे रखने का, फिर अगेन उठा करके यहाँ लाना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और बहुत मेस्डअप हो जाएंगी चीज़ें. मतलब मुझे ना ज़्यादा ऐसे क्योटिक चीज़ें पसंद नहीं है, तो मैं शूट करके लेकर के जा रही हूँ, ऐसा मैंने प्लान कर लिया है अपने मोबाइल में. अभी तो यहाँ पर तो मैं अपना मैनुअल प्लानर भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सब कुछ अपने मोबाइल में प्लान करती हूँ. अभी बज रहा है 1:11 बजे बैठी थी मैं करने के लिए, तो अब मुझे लग रही है जम के भूख, मैं ये टॉप चेंज करती हूँ. अभी तक तो मैंने शार भी नहीं लिया, मैं आराम से शाम को लूँगी क्योंकि ये मेकअप वेकअप बहुत सारा लगा हुआ होता है ना, इसे तो अच्छा भी नहीं लगता है. तो मैं फटाक से चेंज करती हूँ, तो मैं आपको अपना शूटिंग सेटअप दिखाती हूँ. यहाँ पर मेरा पूरा सामान पड़ा हुआ है, यहाँ पर पूरा सामान पड़ा हुआ है, ये देखिए इस पे बैठी हुई थी मैं, और ये मेरा रिंग लाइट रखा हुआ है. मम्मी अब मेरा काम देखती ना, तो मम्मी कहती है कि हाँ अभी समझ में आया कि तुम कहाँ इतना बिजी रहती. मम्मी यूजुअली कॉल करती थी क्या कर रही हो, तो मैं बोलती थी एडिटिंग कर रही हूँ, फिर मैंने मम्मी बोलती थी क्या कर रही हो, बोलती थी शूट कर रही हूँ. तो अभी मम्मी जब मेरे साथ रह रही हूँ, ये सब देखती है ना नाम झाम, तब उनको समझ में आ रहा है कि हाँ मतलब बहुत काम होता है YouTube में. ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि इट्स ईजी, जस्ट अ 5 मिनट वीडियो के पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है. आज लंच में बना है पनीर के पराठे और ये पूरा अचार का सेट है. मतलब इतने अचार है ना मेरे घर में कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ. अभी मुझे खुद कन्फ्यूजन हो गया कि मैं कौन सा खाऊँ कौन सा नहीं खाऊँ. वन हो रखा है एंड 2 बजे से मेरी YouTube की वर्कशॉप है मेकअप एंड फैशन वाली. तो अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे मैनेज करूं. अभी मुझे एक वीडियो शूट करना है, मतलब मुझे 3 वीडियो शूट करना है और मैं कल जाने का सोच रही हूं. अभी कल भी नहीं गई तो परसों चली जाऊंगी. इतना कोई मेरे ऐसे इन लॉज भी इतने बर्डन वाले नहीं है, मतलब बर्डन वाले इन द सेंस मीन्स कि दे डोंट फोर्स मी टू कम टू देयर प्लेस, और ऐसे डांटते वाटते नहीं है कि तुम क्यों नहीं आ रही हो या फलाना या ढिमकाना. मतलब अब उनको हैबिट हो चुकी है. विक्की ने तो जब हम आ रहे थे, मतलब भोपाल से जब मुंबई आ रहे थे ना, तभी विक्की ने मुझे ये चीज़ बोल दिया था कि अभी मतलब मैं अपने घर पे रहूं, बट हाँ मिलने आती रहूं, आती जाती रहूं, क्योंकि उसको ये पता है कि मेरी मम्मी अकेली थी इतने टाइम से और वो इतनी बार बोल चुकी थी, 2 महीने से बोल रही थी. तो उसने मुझे बहुत क्लियरली ये चीज़ बोल दिया था कि रहने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आकर के, बट हाँ आते जाते रहना, मिलने आ जाना और ये कर लेना. तो 14 डेज़ बाद जब हो जाए तब, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं रह करके भी आ जाती हूँ तो थोड़ा उनको भी बेटर लगेगा. काफ़ी सारे लोगों ने जब मैंने फर्स्ट डे वीडियो, उस पर मैं डिटेल में बातें करूंगी, लेकिन हाँ बहुत सारी लड़कियों ने मुझसे जेन्युइनली बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं और उन्होंने बताया है कि आप बताओ कि ये कैसे आपने मैनेज किया है. तो मैं सोच रही हूँ उसको एक पूरा अलग से वीडियो में मैं इंक्लूड करती हूँ. आई थिंक वो बहुत सारी लड़कियों के लिए हेल्पफुल होगा. बहुत सारे लड़कियाँ भी मुझे बोलती हैं कि अरे आप तो बहुत लकी हो, आपका सब कुछ परफेक्ट है, हमें ऐसा नहीं. ऐसा नहीं होता है. जैसे मेरी, जैसे आपकी मम्मी है ना, वैसे ही मेरी मम्मी भी है. एट दी एंड है तो वो इंडियन सोसाइटी के ही, जैसे आपके मदर इन लॉ है वैसे ही मेरी मदर इन लॉ भी है. एट दी एंड है तो वो इंडियन सोसाइटी के ही ना. तो थिंकिंग तो एकदम से चेंज आप नहीं कर सकते हो, तो वो ना बाय द टाइम ग्रो हुआ है. अब जब 3 साल हो चुके हैं, मतलब इस साल नवंबर में मुझे 4 साल हो जाएंगे, इसमें अब उन लोगों को एग्जैक्टली समझ में आ गया है कि हाँ भैया यहाँ ऐसे ही होने वाला है. तो अब नहीं बोला जाता है, बट स्टार्टिंग में 1-2 साल तो एक्सपेक्टेशंस हर जगह ही रहती है. बट वो एक्सपेक्टेशंस आपको कहाँ स्टॉप करनी है और कहाँ किस तरह की बिल्ड करनी है
इट इज कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. अगर आपने शुरू में वो सब मैं किसी और चीज में बताऊंगी, डिस्कस करूंगी. अभी जस्ट आई गॉट कॉल फ्रॉम माय मम्मी कि वो निकलने वाली है कॉलेज से और उनको पिक करने के लिए जाना है. तो मैं अभी फटाक से आने के बाद फिर मैं शूट करना स्टार्ट करूंगी. और आई कंप्लीटेड 4 वीडियोस टुडे. 4 वीडियो मैंने खत्म कर दिए शूट के लिए. सारे हॉल वीडियोस थे. अभी ब्रांड एक्चुअली क्या होता है ना, दिवाली तक लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था. जो ये एक टाइम चलता है अगस्त सितंबर सेल टाइम चलता है. सारी वेबसाइट्स पे सेल चलना स्टार्ट हो जाती हैं और काफ़ी सारे ऑफर्स होते हैं. तो कंपैरेटिवली पूरे ईयर में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ब्रांड डील्स जो आती हैं वो इसी टाइम पे आती हैं. सबके पास ही आती होंगी, मतलब जैसे मेरे पास आई हैं, सबके पास ही प्रमोशनल वीडियोस के लिए ये टाइम मतलब पीक टाइम रहता है ये. हाय गाइस, तो अभी मैंने अपने फेस पे लगाया है, एक मिनट बताती हूँ क्या लगाया है. ओके, तो मैंने ये फॉरेस्ट एसेंशियल का फेस पैक था बिकॉज आई एम ब्रेकिंग आउट लाइक क्रेजी. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, जबकि यहाँ पर शेड्यूल और अच्छा हो गया. मेरी बॉडी को ही पसंद नहीं आ रहा है कि मैं सुबह जल्दी उठ रही हूँ, इन शॉर्ट बोलूँ तो. तो ये मैंने फॉरेस्ट एसेंशियल का मुल्तानी मिट्टी फेस उपटन मंगवाया है. रिजल्ट चेक कर रही हूँ मैं कि इतना एक्सपेंसिव क्यों है भाई. मुल्तानी मिट्टी अगर इसमें प्योर है तो खादी की मुल्तानी मिट्टी 300 रुपये से अंदर में आ जाती है और ये 900 रुपये का है. सो लेट्स सी रिजल्ट, देखते हैं कैसा आएगा. अभी मैंने ये सेकंड टाइम आज मैं इसको लगा रही हूँ. इसके रिव्यूज बहुत अच्छे थे, 5.5 रेटिंग थी इसकी नायका पे भी. तो उसके बाद ही मैंने मंगवाया है सब देख करके. बस है ना वो दुपट्टा ले जाऊंगी. नहीं ये ले जाओ, यही ले जाऊंगी, ये हटा लूंगी. नहीं अरे उसमें क्या, कुछ नहीं हो रहा है. आते टाइम ये यूज कर लेना, अभी जाते टाइम ये यूज कर लो. अब भी जस्ट ये पार्सल आया है, इसको मैं लेकर के जाती हूँ अंदर से. आई जस्ट गॉट रेडी और ये कुर्ता पहनी हुई हूँ मैं शहर लेने के बाद से. और अभी जस्ट मेरी मम्मी का कॉल आया कि उनको लेने के लिए जाना है, तो मैं फटाक से उनको लेने जा रही हूँ. और विक्की मुझे आएगा लेने के लिए अप्रॉक्स 4 बजे तक. मैंने उसको बोला हुआ है क्योंकि कार में काफ़ी सारा सामान जाएगा और मैं अपनी गाड़ी लेकर के जाऊँगी. क्यों? क्योंकि मुझे अल्टरनेट डेज में मतलब मम्मी को लेने के लिए जाना रहेगा. तो मैं वहाँ पर, पापा मेरे फादर इन लॉ के पास भी एक्टिवा है बट स्टिल वो भी कहीं भी कभी काम से इधर उधर अगर गए हुए होंगे और उसी टाइम मुझे मम्मी को लेने जाना होगा, तो मैं वहीं से मम्मी को पिक करूँगी, यहाँ पर ड्रॉप करूँगी और वापस वहाँ जाऊँगी. ऐसा करके मैंने सोच के रखा हुआ है. सो यस, और अभी मेरा एक फ्रेंड है वो आने वाला हुआ है. वो आने भी वाला है. वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इस रूम पे मैं कुछ बनवा रही हूँ. कायदे से वो अभी तक तो बन जाना चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली भोपाल में क्योंकि इतने दिन का लॉकडाउन हो गया, फिर उसके पास वर्कर्स नहीं थे, उसकी फैक्ट्री में वो मतलब थे नहीं, फिर अब वो फाइनली बनाना स्टार्ट कर रहा है. मतलब कटिंग वटिंग हो गई है तो वो मेजरमेंट लेने के लिए आ रहा है फॉर द सेफर साइड. तो वो आने वाला है. आपने उसको बहुत सारी बार मेरे ब्लॉग्स में देखा हुआ है मेरा. वैसे तो वो मुझे बहुत चिल्लाता है कि मैं उसको कैमरे में कैप्चर कर लेती हूँ बट फिर भी मैं करूँगी जरूर. और ये मम्मी आ गई. कहाँ ऊपर जा रहा था भाई. आइए, आपका इंतजार था. हाय बोलो जवस्वी. हाय बोल, तब बंद नहीं करूंगी. नहीं तो अरे यार बंद कर दे यार कैमरा क्यों. हाय बोल, हाय बोल, हाय बोल, हाय बोल, हाय बोल, हाय बोलना यार. नहीं बोलूं. Going to my ससुराल, ससुराल जा रही हूँ मैं, ससुराल जा रही हूँ मैं, ससुराल जा रही हूँ मैं. Going to my ससुराल, ससुराल, ससुराल जा रही हूँ मैं. तो ये स्पेशल मैसेज जो है ये मोहल्ले की उन चाचियों के लिए है जो इतनी चिंता कर रही थी कि मैं अपने ससुराल क्यों नहीं जा रही हूँ या मैं क्यों नहीं गई हूँ. इनको इतनी मिर्ची लग गई थी कि मैं अपने घर में कैसे आ गई डायरेक्टली. मतलब दे वर सो वरिड. मे बी वो मेरे ससुराल वालों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, पता नहीं. मतलब मुझे लगा इतने क्लोज है तो इनको तो बताना बनता है कि भाई मैं अब अपने ससुराल जा रही हूँ.
सो दिस मैसेज इज स्पेशली फॉर दोज लेडीज. तो कुछ लोग तो चलो ठीक है नए हैं, बहुत प्यार से उन्होंने मुझसे ही क्वेश्चन बोला था, उनको मैंने बहुत प्यार से आंसर लिया है. बट ये जो मोहल्ले की वो नहीं होती हैं आंटी लोग होती हैं जो आओ बहन चुगली करे वाले, उन लोगों के लिए दिस इज स्पेशल मैसेज कि गाइज आई एम गोइंग टू माई ससुराल. एंड दूसरी चीज़, बहुत लोग इस चीज़ पर बहुत शॉक्ड हुए हैं कि मैं कैसे डायरेक्टली अपने घर आ गई, ससुराल नहीं गई और ये वो. उसके ऊपर मैं एक अलग से इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगी कि हाउ आई स्टार्टेड डूइंग दिस और ये कैसे पॉसिबल हो पाया. बट ऐसा नहीं है कि वहाँ वो लोग गुस्सा होते हैं या ऐसा कुछ है. दो फैमिलीज की देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज अंडरस्टैंडिंग. तो वो अब हम लोगों में, उन लोगों को आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, विक्की को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. वो मुझे अभी भी बोल रहा था कि नहीं अभी मत आओ, अभी यहाँ पे काम चल रहा है, काम में इफेक्ट करेगा, मिलने आ जाओ बट रहने मत आओ. मैंने बोला नहीं नहीं मैं तो रहने आऊंगी, अगर मुझे काम में दिक्कत होगी तो मैं वापस चली जाऊंगी. सो मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे इन लॉज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे सिस्टर इन लॉ को कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई मीन दीज आर द क्लोजेस्ट वन, राइट. बट ये जो मोहल्ले की चाची लोग हैं इनको इतनी दिक्कत है कि मैं क्या बताऊं. तो इसलिए मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. अगर आपको लगा हो कि मैं बहुत रूड तरीके से बात कर रही थी तो शायद मैं थी रूड. नाउ टू ऑल माई लवली सब्सक्राइबर्स जो मेरे वेल विशेज हैं, यस. हाय गाइस, तो ये है विक्की जिसको आप सब इतना ज्यादा याद कर रहे थे, मेरे को मैसेजेस में सब लिख रहे थे विक्की भैया को मिस कर रहे हैं, विक्की जीजू तुम कहाँ हो, हम मिस कर रहे हैं. बहुत मस्ती नहीं करता है, थोड़ा शाय हो जाता है वो फैमिली मेंबर्स के सामने. तो हम लोग ऑलमोस्ट घर की तरफ पहुंचने वाले हैं और मैं जा रही हूँ अपने ससुराल. हाय गाइस, सो मैंने बीच में कोई ब्लॉग नहीं किया बिकॉज मैं आकर के रोटी बनवाने लग गई थी, फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया है और ये है विक्की. वी आर ऑन टेरेस राइट नाउ. तो यहाँ पर टेरेस पे ना अभी कुछ कुछ काम चल रहा है, वहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर एक रूम बन रहा है. एक्चुअली नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें टेनेंट्स को दिया हुआ है वो ऑलरेडी, और उसके जो ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर है उसमें हम लोग रहते हैं, मतलब विक्की के जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो इन लॉज हैं वो रहते हैं वहाँ पर. बट अब क्योंकि सब लोग यहाँ पर हैं और दो बेडरूम्स हैं वहाँ पर, एक में टीनू रहती है एक में विक्की रहता है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी होता है समटाइम्स काम करते टाइम, तो इसलिए ये ऊपर एक रूम बन रहा है. सुबह आपको मैं दिखाऊंगी, कल अलग से पूरा रूटीन शूट करूंगी मैं. सो यस, यही है. आप लोग विक्की को बहुत याद कर रहे थे. सो आप लोग सब कैसे हैं प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके. मतलब आप सब लोगों के यहाँ पर भी लॉकडाउन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हम लोगों के यहाँ तो कल ही खत्म हुआ है. कल ही, हाँ. भोपाल में लगने वाला था लॉकडाउन, हम लोग उससे पहले आ गए थे, अभी लॉकडाउन खत्म हो गया है. और आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ, ज्यादा लंबा नहीं था. अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मैं अब आप लोगों से मिलूंगी कल सुबह, फुल रूटीन बनाएंगे ससुराल का. सो टिल देन बाय.